हेलो फ्रेंड्स, मैं सादा ब्लाउज कटिंग करूंगी। इसकी चौड़ाई है 10.5 10 इंच है, 8.5 इंच इसकी सील करके रहेगी। और जो लंबाई है इसकी 13.5 इंच, 13 इंच सिलाई करके हो रहेगी। आधा इंच ऊपर सिलाई होगी, नीचे बॉर्डर है, इसलिए गले की ये 2 इंच, 2 इंच गले कटिंग करूंगी इसकी। साढ़े 3 इंच हार महल, 5.5 इंच एक इंच गोलाई, इसकी गोलाई हम 1 इंच लेंगे। गहराई इसे 8 इंच, 8 इंच गहराई रखूंगी। इसके 3 इंच लूंगी नीचे, गहराई नीचे 3। ऊपर 2, नीचे 3 गहराई। इससे ब्लाउज की फिटिंग सही बैठती। इसको हम गोल कर देंगे, गले की गोलाई। मैं कटिंग कर लूंगी, अब मैं कटिंग पीछे की पल्ला है, बैक साइड। आगे की फिटिंग करूंगी, आगे की पल्ले की। इससे मैं आगे आधा इंच आगे बढ़ा के लगूंगी, क्योंकि आगे हुक लगती है। कज बटन के लिए हुक हो या कज बटन हो, इसके लिए मुझे आगे आधा इंच ज्यादा लेना पड़ता है। इसे मैं 5.5 इंच आगे की, आगे की गले 5.5 इंच ले रही हूँ।
गुलाई कर दूंगी। कटिंग कर लूंगी, इससे मैं नीचे आधा इंच ज्यादा रखती हूँ। पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले नीचे आधा इंच ज्यादा लंबाई ज्यादा होती इसके। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से कटिंग करी हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। चार इंच पर मैं टेकिंग लूंगी, निशान लगाऊंगी 4 इंच। चार इंच लंबाई ठीक है। आधा इंच मुझे 3.5 इंच पर लेना है, टेकिंग लगानी है। फिर हम 3 इंच लेंगे निशान मार्क की, 3 इंच की टेक लेंगे। इसे मैं गहरी कर दूंगी ताकि पलट करके तो आऊंगी इधर से तो मेरे पूरे निशान वैसे के वैसे आ जाएंगे। दोनों साइड निशान लग जाएंगे इसे इसको दबाने से। इस तरीके से मैंने इसे फिर से निशान अच्छी तरीके से लगा लूंगी।
से आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, बहुत अच्छे ब्लाउज बनेगी। फिटिंग अच्छी आती है इससे, इस तरीके से कटिंग करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।